तो कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज की इस वीडियो में। बात करेंगे करंट मार्केट सिचुएशन की, क्या कुछ हाल चल रहे हैं मार्केट के, बिटकॉइन के, इथेरियम के, ऑल्ट कॉइन्स के क्या लेवल चल रहे हैं, और जो अपडेट्स आ रही हैं सारी अपडेट भी कवर करेंगे। मार्केट की सिचुएशन देखोगे, बिटकॉइन की अगर आप सिचुएशन देखोगे तो 21,200-21,300 जो लेवल्स हैं वही चल रहे हैं। और आज संडे था तो ज़्यादा कुछ हमको देखने को मिला नहीं है अभी तक फिलहाल। कल है, नया वीक स्टार्ट हो रहा है, और कल जो नेक्स्ट वीक है मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 नवंबर की डेट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कल बिटकॉइन आपको 22,000 भी दिखा दे, ठीक है, कल नहीं तो परसों पॉसिबल हो सकता है $22,000 बिटकॉइन के लेवल हमको जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं, है ना। 21,200 पे चल रहा है। इथेरियम की बात कर लें, $1,630 पे है। बाइनेंस कॉइन 350 के ऊपर का लेवल बाइनेंस कॉइन का भी मेंटेन है, काफ़ी अच्छी रेंज आ चुकी है। और डॉज कॉइन भी 0.12 पे चिपक के बैठा है, क्योंकि यहाँ से फिर से टेक ऑफ कर सकता है, क्योंकि इलॉन मस्क कभी भी ट्विटर ब्लू के लिए जो ब्लू टिक वाला एक चार्ज लगाया गया $8 का, अगर उसकी पेमेंट करने का डॉज कॉइन का ऑप्शन मिला कि डॉज कॉइन से उसकी पेमेंट कर पाएँ, तो डेफिनेटली अभी डॉज में आपको और भी हलचल देखने को मिल सकती है। अगर अनाउंसमेंट या ट्वीट आते हैं इलॉन मस्क के तो डेफिनेटली दिखेगी, ठीक है। सोलाना $35 5% डाउन गई है, क्योंकि गूगल का एक अपडेट आया था जिसकी वजह से सोल काफ़ी अच्छा पम्प कर रही थी कल, थोड़ा सा करेक्शन। और मैटिक 1.17 पे आ चुका है, ₹96 पे, कल फिर से 100 के करीब पहुंच गया था। और शिबा इनू चल रहा है 1273 के ऊपर। एलिवेंसी की बात कर लें तो ये भी हल्की फुल्की जो है रेड में चल रही है, और इसका भी पंप हमको देखने को मिला। चिलीज 4%, ठीक है। तो ये मतलब ये अभी ऑल्ट कॉइन्स के हाल हैं, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। बिटकॉइन में अगर 22,000 का जंप लगता है कल या परसों, तो डेफिनेटली कल से मार्केट आपको ग्रीन भी दिख सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है डॉज कॉइन को लेके। ओवर 60 बिलियन डॉज कॉइन परचेज एट की सपोर्ट एज ट्रेडर आई $1 डॉज प्राइज। तो भैया डॉज कॉइन को लेके ना बहुत कुछ यहाँ पे अभी भी देखने को हमको मिल रहा है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क का अब नेक्स्ट मूव क्या होता है डॉज कॉइन को लेके, जो भी होगा, और उनको पता है आपको उनका मूव कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होता है, हटके ही होता है, और कुछ हटके हुआ तो डॉज की रैली फिर से दिखेगी हमको, है ना। इसीलिए डॉज में हमको ज़्यादा कोई करेक्शन अभी देखने को मिल नहीं रहा है। 0.1112 पे लेवल्स मेंटेन है, क्यों? क्योंकि सभी वेट कर रहे हैं डॉज कॉइन की नेक्स्ट अनाउंसमेंट के, मतलब इलॉन मस्क की तरफ से जो अनाउंसमेंट आएगा। और नियरली 64 बिलियन, बिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि डॉज कॉइन का प्राइस 10-11 रुपये पे चल रहा है ना। 64 बिलियन डॉज कॉइन परचेज डेट 0.092, मतलब जब 0.092 पे डॉज कॉइन है तो 64 बिलियन पर यहाँ पे डॉज कॉइन परचेज किए गए थे, है ना। मतलब आपको पता है हमने आपको कहा है कि वेल्स बहुत ज़्यादा घुसी हुई हैं इसके अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एक चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा ग्लोबल इन एंड आउट का, है ना, डॉज कॉइन को लेके, और किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम यहाँ पे आया। अगर आप देखोगे सबसे बड़ा बबल आपको देखने को मिलेगा ये वाला सिक्स, तो ये है वो प्राइस और ये है वो बबल सबसे बड़े वाला, और टोटल जो वॉल्यूम है 63 बिलियन। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी ज़्यादा है डॉज कॉइन के अंदर, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, डॉज कॉइन को भर भर के ख़रीदा गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। और जिन वेल्स ने ये ख़रीदा हुआ अभी तक वो होल्ड कर रही हैं अभी तक, क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क का जो भी अनाउंसमेंट आएगा कहीं ना कहीं डॉज कॉइन के लिए फिर से पंप वाला सिग्नल रहेगा, है ना। जो भी अनाउंसमेंट आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना, वहाँ आपको सभी अपडेट मिलते रहते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट अपडेट है ओवर 50% ऑफ अमेरिकन थिंक क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। मतलब 50% ऑफ अमेरिकन ऐसे हैं, बहुत सारे सर्वे बहुत सारे पोल्स हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, और वाइल यूथ एंड माइनॉरिटी स्टेटस आर स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ क्रिप्टो अवेयरनेस। और यही जनरेशन है, यही लोग हैं जो क्रिप्टो को अभी समझ रहे हैं, है ना, और सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, है ना। तो जितने भी ये सर्वे हो रहे हैं, सबसे पहले 49% 50% लोगों को यहाँ पे जो है, अगर आप देखोगे, लगता है अमेरिकन्स को कि क्रिप्टो
इज़ द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस। और यहाँ पे एज ग्रुप देखोगे इनके, अगर आप, वो 18 to 34, और इसके अलावा 62% है यहाँ पे 35 to 44। मतलब इन लोगों को, यंगस्टर्स को लगता है कि क्रिप्टो जो है वो फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन को लेके। बिटकॉइन प्राइस लाइकली टू रिक्लेम $25,000 लेवल बिफोर एंड ऑफ 2022। बिल्कुल 25,000 यहाँ पे टच कर सकता है, और ये कह रही है कॉइन मार्केट कैप की कम्युनिटी। और हमको भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इन 2 महीनों में होगा, और मार्केट जो है 25,000 बिटकॉइन आपको मे बी अगले मंथ जो है आपको टच करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप की कम्युनिटी की बात कर लें तो यहाँ पे बहुत सारी वोटिंग ये हुई है कि जो इस साल के एंड तक प्राइस जाएगा बिटकॉइन का वो जाएगा। एंड दीज एक्सपर्ट से दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट बिफोर द क्रिप्टो मार्केट एंटर्स 2023 BTC कुड वंस अगेन ट्रेड एट द $25,000 लेवल, है ना। और हो सकता है आपको 25,000 दिख भी जाए, ठीक है, क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप की कम्युनिटी तो कह रही है, लेकिन हो सकता है पॉसिबल कि आपको $25,000 बिटकॉइन जो है आपको दिख जाए इस साल के एंड तक। नेक्स्ट अपडेट है वेल की तरफ से, एक्सी इन्फिनिटी। आप देखो कल काफ़ी अच्छा पंप आ रहा था। नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन अमंग 500 बिगेस्ट इथेरियम वेल इन द लास्ट 24 आवर। और पिछले 24 घंटे में एक्सी इन्फिनिटी को वेल्स ने भी बहुत ज़्यादा खरीदा है, है ना। 500 सबसे बड़ी इथेरियम वेल्स ने एक्सी इन्फिनिटी को खरीदा है। नेक्स्ट अपडेट भी डॉज कॉइन को ले गया। 212 मिलियन डॉज कॉइन जिनकी वैल्यू $26 मिलियन की है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम अननोन वॉलेट टू कॉइन बेस। तो कॉइन बेस के ऊपर फिर से गए हैं 212 मिलियन डॉज कॉइन, बड़ी क्वांटिटी फिर से ट्रांसफर किया है वेल्स ने कॉइन बेस के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है फैंटम को लेके, FTM को लेके। नाउ ऑन टॉप 10 परचेज टोकन वेल्स ने यहाँ पे जो, तो बिल्कुल यहाँ पे टॉप 10 परचेज टोकन की लिस्ट में आया है फैंटम। और BSC वेल, टॉप 100 BSC वेल्स ने जो है यहाँ पे खरीदा है फैंटम को और अपने बैग में ऐड कर लिया है, ठीक है। तो वेल्स ने फैंटम को भी खरीदा। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सारी अपडेट आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर इंस्टाग्राम के लिंक हैं, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है वहाँ भी आप पूछ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।